एक लंबे समय से सभी फैंस कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का इंतजार कर रहे थे और अब फाइनली ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंगना रनौत इस फिल्म की लीड रोल यानी रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभा रही हैं और साथ ही साथ ये जानना दिलचस्प है कि कंगना रनौत ने बखूबी एक डायरेक्टर का रोल भी निभाया है। हालांकि इस फिल्म से जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उन उम्मीदों पर इस फिल्म ने पानी फेर दिया है। शुरुआत करें डायरेक्शन से तो फिल्म का डायरेक्शन काफी कच्चा लग रहा है क्योंकि ये फिल्म कंगना रनौत की पहली डायरेक्टोरियल वेंचर है, उस लिहाज से उनके एफर्ट्स की दाद देनी होगी। हालांकि कुछ सीन्स को काफी ज्यादा बचकाने तरीके से पेश किया गया है। फिल्म की शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई के जन्म से होती है। फिल्म का पहला हाफ स्लो है लेकिन इस फिल्म में VFX और विजुअल्स काफी जबरदस्त लगेंगे। फैंस को कंगना रनौत की मेहनत काफी ज्यादा पसंद आएगी। हालांकि वो अपने किरदार में और ज्यादा एफर्ट्स डाल सकती थी। इस फिल्म में कंगना रनौत के अलावा अंकिता लोखंडे भी लीड रोल प्ले कर रही हैं। अंकिता लोखंडे की परफॉर्मेंस अपने किरदार को जस्टिफाई करती है। फिल्म में देशभक्ति और गद्दारी की कहानी दिखाई गई है। हालांकि कुछ फैंस को ये फिल्म बेहद पसंद आई है। हमारी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3 stars out of 5। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।